स्टार मेकर पर आजकल वी टैग और टैलेंट सिंगर का टैग मिलना मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में हम इसी के सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप भी हमारे वीडियोस मिस नहीं करते और हमें भी और अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट RK, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कांस एंड म्यूजिकल बाबा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सॉन्ग्स को रिकमेंड करवाने के बाद भी टैलेंट सिंगर का और वेरीफाइड सिंगर का टैग नहीं मिल रहा, या यूं कहें कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद भी वी टैग नहीं मिल रहा है, या वी टैग की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है और आपको ये भी पता नहीं चल रहा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रही है। तो आइए इन्हीं सवालों के जवाबों को जानते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वेरीफाइड सिंगर का टैग लेने के लिए पहले आपको टैलेंट सिंगर का टैग लेना होता है। आप अपने मी सेक्शन में जाइए और उसके बाद वेरीफाइड सेक्शन पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको टैलेंट सिंगर का व्यू बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद टैलेंट सिंगर का टैग लेने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो टैलेंट सिंगर का टैग लेने के लिए आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। आपने अपना अवतार यानी कि प्रोफाइल पिक अपडेट करना है, आपका स्टेज नेम भी एडिट करना है, आपका जेंडर प्रोवाइड करना है, स्टार मेकर पर आपके कम से कम 2000 फॉलोअर्स होने चाहिए, स्टार मेकर पर आपके कम से कम 50 कवर सॉन्ग्स होने चाहिए और कम से कम एक वीडियो कवर तो होना ही चाहिए और पिछले 30 दिन में आपने कम से कम 5 कवर पोस्ट किए हो और आपका कम से कम एक कवर रिकमेंडेड कवर्स में आया हो। और आखिरी रिक्वायरमेंट है कि आपने पिछले 30 दिनों में स्टार मेकर की किसी भी पॉलिसी का वायलेशन किया हो। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टैलेंट सिंगर वेरिफिकेशन के बेनिफिट्स भी दिखाई देंगे और टैलेंट सिंगर का टैग मिलने के बाद आपने क्या टास्क पूरे करने हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी नीचे लिखे होंगे। अब यहाँ से बैक करते हैं और वेरीफाइड सिंगर के अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करते हैं। वेरीफाइड सिंगर का टैग लेने के लिए अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है अब आपको वो नजर आने लगेगी। जैसे आपने अपना अवतार अपलोड करना है यानी प्रोफाइल पिक अपलोड करना है, आपका स्टेज नेम एडिट करना है, आपका जेंडर भरना है और वी टैग लेने के लिए आपके स्टार मेकर पर कम से कम 15,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और साथ ही साथ स्टार मेकर पर कम से कम आपके 200 कवर सॉन्ग्स होने चाहिए और इसी के साथ साथ आपके कम से कम 10 वीडियो कवर सॉन्ग्स भी होने चाहिए और पिछले 30 दिनों में आपने कम से कम 10 कवर्स बनाए हुए होने चाहिए और वी टैग लेने के लिए आपके रिकमेंडेड कवर्स 8 से कम नहीं होने चाहिए। और आखिरी रिक्वायरमेंट है कि पिछले 30 दिनों में आपने स्टार मेकर की पॉलिसीज का वायलेशन ना किया हो। अब इन रिक्वायरमेंट्स को देखने और पूरी करने के बाद ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर उन्होंने ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली तो स्टार मेकर के सिस्टम में उन्हें टैलेंट सिंगर का टैग और वेरीफाइड सिंगर का टैग डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि स्टार मेकर का सिस्टम ऐसा नहीं है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टार मेकर खुद ही बताता है। जहाँ पर वेरीफाइड सिंगर की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं वहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगे। वहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन जो आप देखेंगे वो इसी बारे में है। पहला इंस्ट्रक्शन है अप्रूवल क्राइटेरिया, जिसमें लिखा हुआ है यूजर्स हु मीट ऑल द अबव रिक्वायरमेंट्स कैन इनिशिएट एन एप्लीकेशन एंड द ऑफिशियल ऑपरेटर विल इवेल्युएट द एप्लीकेशन टिम्बर सिंगिंग स्किल्स एंड एक्सप्रेसिवनेस। द वन हु स्टैंड्स आउट इन दीज एस्पेक्ट्स विल बिकम द वेरीफाइड सिंगर। वन यूजर कैन ओनली अप्लाई फॉर वन अकाउंट। इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वन अकाउंट यू कांट अप्लाई अगेन फॉर अदर अकाउंट्स। अगर सरल भाषा में बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जब सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद टैग की एप्लीकेशन इनिशिएट होती है या इनिशिएट की जाती है तब स्टार मेकर ऑफिशियल ऑपरेटर उस एप्लीकेशन को मैन्युअली इवैल्यूएट करते हैं या चेक करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्टार मेकर ऑफिशियल ऑपरेटर टैग की एप्लीकेशन में क्या इवैल्यूएट करते हैं और क्या चेक करते हैं। आपको टैलेंट सिंगर का टैग या फिर वेरीफाइड सिंगर का टैग क्यों नहीं मिला और आपकी टैग की एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो गई, इसके सारे रीजंस यहीं पर छुपे हुए हैं। अगर आप अप्रूवल क्राइटेरिया वाला पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑफिशियल ऑपरेटर सॉन्ग्स कवर में एप्लीकेंट की या आपकी टिम्बर यानी कि लय, सिंगिंग स्किल्स यानी कि आपके गायन की क्षमता और एक्सप्रेसिवनेस यानी कि आप गाने को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं, इन तीनों ही चीजों को इवैल्यूएट करते हैं या चेक करते हैं। अगर ऑफिशियल ऑपरेटर को लगता है कि आपके सॉन्ग्स में आपकी ये तीनों चीजें ठीक हैं, तो आपको वेरीफाइड सिंगर का टैग दे दिया जाता है। इन तीन चीजों के अलावा भी और भी बहुत कुछ चेक किया जाता है। इनमें से कुछ पहलुओं की जानकारी मैं अभी आपको दे देता हूं, लेकिन इन पहलुओं को डिटेल से समझने के लिए आप हमारा ये रिकमेंडेड वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो पहला पहलू है
साउंड इफेक्ट्स सेटिंग्स। स्टार मेकर ने वेरीफाइड सिंगर का टैग लेने के लिए साउंड इफेक्ट सेटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं। अगर आपकी साउंड इफेक्ट सेटिंग उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगी तब भी आपकी टैग की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसीलिए वीटैग की एप्लीकेशन को इनिशिएट करते समय आपने अपने सॉन्ग्स में रिवर्ब, रूम और वॉल्यूम को एक स्टैंडर्ड तक ही बढ़ाना है। अगर ये स्टैंडर्ड से ज्यादा होंगे तो पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। और दूसरा पहलू है सिंगिंग स्किल्स, जिसके बारे में इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा हुआ है, यानी कि आप सुर, लय और ताल में गाएं और इसी के साथ साथ आप गाने को पूरी फीलिंग्स के साथ गाएं। अगर ये पहलू ठीक नहीं हुआ तो आपकी टैग की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके बाद अगला पहलू है आपके सॉन्ग्स की ग्रेडिंग। अगर आपके सॉन्ग्स A+ या A++ कैटेगरी में नहीं बनते हैं तब भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि आपकी टैग की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपके सारे सॉन्ग्स की ग्रेडिंग A+ या A++ कैटेगरी की हो। इसके बाद अगला पहलू है वीडियो क्वालिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर आप वीडियो सॉन्ग्स बना रहे हैं और आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, कैमरे की पोजीशन अच्छी नहीं है और कैमरा बार बार हिल रहा है, इस तरह आपका वीडियो खराब हो जाता है और ये पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है कि आपकी टैग की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। अगला पहलू है अपने सॉन्ग्स के अच्छे अच्छे कवर्स बनाइए। जितना अच्छा आपका कवर बना होगा आपका सॉन्ग्स उतना ही अच्छा नजर आएगा। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। अब अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है और वो पहलू है रैंकिंग। जितना ज्यादा हो सके अपने सॉन्ग्स को रैंकिंग में लेकर आइए। आपके सॉन्ग्स डेली रैंकिंग में, टोटल रैंकिंग में, रीजनल रैंकिंग में और ट्रेंडिंग में आते रहने चाहिए। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सॉन्ग्स को रैंकिंग में लाने के लिए लाइक, गिफ्ट और व्यूज की जरूरत पड़ती है, तो इन चीजों को अरेंज करते रहिए। इससे आपको वी टैग मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हो? अब हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सभी पहलुओं में अच्छे नहीं हैं। जैसे किसी की सिंगिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन उन्हें फिर भी वी टैग मिल चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई एप्लीकेंट किसी चीज में कम हो सकता है पर किसी चीज में ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हो सकता है किसी की सिंगिंग बहुत ज्यादा अच्छी ना हो लेकिन उनके सॉन्ग्स पर गिफ्टिंग और लाइक्स बहुत ही ज्यादा आते हो, तो वो एक पहलू में तो कम हुए लेकिन दूसरे पहलू में बहुत ज्यादा हो गए। और ऐसे ही सवालों से जुड़े बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो अगर आपका कोई फ्रेंड वेरीफाइड सिंगर है तो आप उनसे ये सवाल पूछिए, अगर वो बताना चाहेंगे तो आपको सारी बातें बता देंगे। तो दोस्तों, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टैलेंट सिंगर का टैग और वेरीफाइड सिंगर का टैग कैसे मिल सकता है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि टैलेंट सिंगर और वेरीफाइड सिंगर की एप्लीकेशंस सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद भी रिजेक्ट क्यों हो रही है। अगर आप चाहते हैं आपको टैलेंट सिंगर का और वेरीफाइड सिंगर का टैग मिले तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए जिससे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। आपका कोई सवाल या कोई क्वेरी हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंगिंग और साउंड इफेक्ट सेटिंग्स की क्लासेस के लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपके फेवरेट चैनल कांस एंड म्यूजिकल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।